जर्मनी में भी हमें फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वाले सर ने ही इनवाइट किया था, और यहाँ पे भी हमें कंप्यूटर वाले सर ने ही इनवाइट किया है, और वो भी मध्य प्रदेश के थे और ये भी मध्य प्रदेश से हैं। होता है सोया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। 2 सीटी लगने तक चढ़ाएंगे, और फिर जैसे कुछ बच्चे नहीं खाते हैं ना साग, तो मटर के बहाने वो लोग खा सकते हैं। तुम्हारा पंजाबी स्टाइल साग बनकर रेडी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आज इतने दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कोई भी डेली व्लॉग टाइप का कुछ शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा शूट करती हूँ कुछ, तो इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया और थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ। और चिरमिरी के बाद आई थिंक ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा, वरना जब से हम लोग आए इतना सारा काम वाम और सब कुछ, इतने सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे वहाँ के चिरमिरी के भी काफ़ी सारे व्लॉग्स, अभी काफ़ी नहीं 2-3 व्लॉग अभी वहाँ के पड़े हुए हैं जो मुझे डालने हैं। मैं इसलिए जानबूझकर कोई व्लॉग शूट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि फ़ोन में स्पेस भी नहीं था, तो मैंने आज फिर भी शूट कर लिया, थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया शूट करना। और कल मैंने शाम को मेहंदी लगाई थी, देखो सडनली लगा ली थी, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि आज हमें किसी सर के घर जाना है, कहीं वो ये ना सोचे कि मैंने वहाँ जाने के लिए मेहंदी लगा ली। कल मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि कहीं जाना है तो मेहंदी ना लगाऊं। हाँ, मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है, और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और उसके बाद हम जाएंगे सर के घर। वहाँ शायद मैं सूट ना करूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, उन्हें पता भी नहीं है मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, और उनके बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो देखते हैं शूट कर पाती हूँ तो थोड़ा बहुत कर लूँगी, वरना नहीं करूँगी क्योंकि नहीं अच्छा लगता है। पर मुझे अब थोड़ा सा ना अफसोस हो रहा है कि मैंने मेहंदी क्यों लगा ली बिल्कुल याद नहीं रहा था, और अभी भी मुझे याद नहीं था कि उनके यहाँ जाना है। अभी मेरे हस्बैंड ने 2 बार बोला कि लेट हो रहे हैं, अभी आयरन वगैरह किए कपड़ों पर, और अभी हस्बैंड नहाने गए हैं, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर हम लोग निकलेंगे उनके घर के लिए। घर ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट की दूरी पर ही। जर्मनी में भी हमें फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वाले सर ने ही इन्वाइट किया था, और यहाँ पर भी हमें कंप्यूटर वाले सर ने ही इन्वाइट किया है, और वो भी मध्य प्रदेश के थे और ये भी मध्य प्रदेश से हैं, तो कुछ तो बात है। कल मैम और सर आए थे यहाँ पे हमें इनवाइट करने के लिए लंच पे, तो देखते हैं जाते हैं वहाँ पे कैसा रहता है क्या रहता है, अगर शूट कर पाई तो करूँगी, अदरवाइज नहीं। और इस व्लॉग को मैं कल तक फिर कंटिन्यू करूँगी। तो गाइज अभी हो रहे हैं लेट, अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और फिर उसके बाद देखते हैं वहाँ शूट कर पाती हूँ तो दिखाऊँगी, वरना इस व्लॉग को कल तक कंटिन्यू करूँगी मैं। तो मैं हो जाती हूँ फिर रेडी जल्दी से, और फिर निकलते हैं हम सर के घर के लिए। गुन्नू रो रहा है, गुन्नू को नहीं जाना है ना? गुन्नू को किसी के घर नहीं जाना, नहीं जाना, हाँ नहीं जाना किसी के घर। उल्ले बच्चा लो रहा है, ओ ये कितने हिल रहा है। देखो देखो गुन्नू कैसे दिख रहा है ना, दिख रहा है कैसा, कैसी शक्ल करनी ना, रो रो कर कैसा लग रहा है, चिंपैंजी बन गया, चिंपैंजी चिंपैंजी बन गया, चिंपैंजी मंकी ओ गुन्नू की नोजी कैसी हो गई, ओ ये कैसे फैल गई, ये कैसे फैल गई गुन्नू, ओ, ये कैसा लग रहा है, डेंजर डेंजर हो गया। अच्छा नहीं हुआ, क्यूट लग रहा है, अरे हैंडसम हैंडसम लग रहा है, हैंडसम प्यारा बाबू लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, हैंडसम लग रहा है बेटा, हैंडसम देखो, हैंडसम लग रहा है, भैया भी हैंडसम लग रहे हैं, सब देख रहे हैं कैसे रो रहा है। हाय कर दो सबको, हाय, हाँ गुड मॉर्निंग, मैं जा रहा हूँ घूमी घूमी करने जा रहा हूँ, बोलो बोलो, घूमी घूमी करने जा रहा हूँ, बोलो बोलो, नहीं बोलना, अच्छा तो बोल दो, फिर मिलेंगे, बाय बोलो, बाय बोल दो, बाय। सो गाइस हम हो चुके हैं रेडी, तो गाइज हम निकल रहे हैं अभी, और यहाँ गोला सर भी रेडी है, और अब हम निकल रहे हैं सर के घर के लिए, देखते हैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड हो पाता है, अगर हिम्मत हुई करने की तो मैं थोड़ा बहुत कर लूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं किसी घर तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगर वहाँ पॉसिबल हुआ तो वहाँ, वरना आने के बाद। तो हमें घर नहीं मिल रहा है अभी, घर ढूंढ रहे हैं। क्या लिख रहे हो आप, क्या कर रहे हो दीदी के साथ? बोला मैं ड्राइंग कर रहा, ड्राइंग
ड्राइंग कर रहे हो आप? ड्राइंग कर रहे हो, बहुत सुंदर ड्राइंग है ये। तो गाइज हम लोग काफ़ी टाइम पहले ही आ चुके हैं मैम के घर। इतनी मुश्किल से हमें घर मिला। हम ना नीचे वाले फ्लोर में बेल रिंग कर रहे थे, हमें लगा वो वाला फ्लैट है मैम का, बट वहाँ से एक अंकल निकले और उन्होंने बोला ये वाला घर नहीं है, ऊपर है उनका घर। तो फिर हम ऊपर आए, फिर हम तो काफ़ी टाइम बैठे, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और अभी यहाँ बच्चे गेम खेल रहे हैं और अच्छा नहीं लगता है व्लॉगिंग करने में। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, बट हाँ मैं यहाँ बच्चों का गेम शूट कर रही हूँ। देखो आप फंस गया। इसमें भी लग रहा है दीदी नहीं, चीटिंग तो स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा तो मेरी बारी है, मेरी बारी है। एक्स नहीं आपकी बारी नहीं है, जब इच्छा हो आ जाया करना, ऐसे नहीं है ना। सो गाइस हम आ चुके हैं सर के यहाँ से, मैम के यहाँ से। बहुत डिलीशियस यम्मी खाना बनाया था उन्होंने और बहुत ज़्यादा खा लिया। और काफ़ी टाइम बाद हम आए, हम 12 बजे घर से निकले थे और अभी 3:15 या कुछ हो रहे हैं, 3:30 या 3:15। तो अभी अभी हम आए, जस्ट हमने चेंज किया और कुछ नहीं, और काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत यम्मी डिलीशियस सा खाना बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था सच में। तो अभी देखते हैं क्या करना है। वैसे शायद हम लोग जाएंगे अलमीरा या बुक्सेल्स देखने जाएंगे, तो देखते हैं जाते हैं या नहीं, और फिर उसके बाद जो होता है फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं कुछ देर में, बाय। सो गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे अचानक से राम लड्डू बनाने लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत मन कर रहा था इनका खाने का, क्योंकि मैं अपने घर पे खा के आई थी। तो मैंने इनको बताया कि मम्मी ने राम लड्डू बनाए थे, बहुत टेस्टी, तो बोल रहे थे मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए। तो मैंने सोचा आज बना देते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो सारी तैयारी मैंने करके रख ली है। यहाँ चटनी भी बन गई है, मूली और मूली के पत्ते भी हमने घिस कर और काट कर रख दिए हैं, और राम लड्डू हमारे ऑलमोस्ट रेडी ही हो चुके हैं। चिरमिनी में तो राम लड्डू आई थिंक मिलते ही नहीं थे, और मिलते होंगे तो हमें पता नहीं था कहाँ मिलते हैं, तो हमने प्राइस भी उनका चेक नहीं किया कि किस रेट में वहाँ मिलते हैं। और यहाँ पे आने के बाद दिल्ली में तो हर जगह मिलते ही है ना, कॉमन सी चीज़ें, और मैं तो इसे बचपन से खाती आ रही हूँ, तो मेरा बहुत मन करता है खाने का। तो यहाँ पूछा तो 50 रुपये की प्लेट, उसमें 6 या 8 पीस दे देते हैं, इतने ही छोटे साइज़ के जिसने मैंने बनाए हैं। और एक जगह पूछा तो वहाँ पे 30 रुपये के 9 दे रहे थे, मतलब बहुत हाई प्राइस है इनका। और ऐसा कुछ होता भी नहीं है इनमें, सिर्फ बेसन होता है, मूली के पत्ते और मूली होती है, और क्या होता है इसमें। तो इसलिए मम्मी ने इतने टेस्टी बनाए थे, तो फिर मैंने आज इनके लिए बनाए हैं, क्योंकि इनको बहुत मन कर रहा था खाने का। इन्होंने प्राइस देखकर ना छोड़ दी कि आप 5-6 आएंगे, उसमें कुछ होगा है नहीं, इससे अच्छा हम घर पे बनवा लेंगे। तो मैंने इसलिए आज घर पे इतने सारे बना दिए कि खाए भी नहीं जाएंगे इन लोगों से। यहाँ पे हमारी प्लेट रेडी है और आप भी इसे बना सकते हो, कोई ज़्यादा टफ रेसिपी नहीं है, बहुत इजी रेसिपी होती है। आई थिंक ये सबसे इजी रेसिपी होती है, पकौड़ी टाइप की बनानी है आपको, बेसन की या फिर चने की दाल को भिगोकर और उसे पीसकर, आप मोटा या फिर दरदरा जैसा भी आपको अच्छा लगता है ना वैसे पीसकर, और थोड़ा सा इसमें सोडा मिला लो, सोडा या बेकिंग पाउडर मतलब, वो मिलाकर ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, और बस ऐसे सर्व करके खा लीजिए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज मंडे और कल हम गए थे मैम के घर, सर के घर खाना खाने, लंच पर गए थे हम लोग, और बहुत सारा ठूस ठूस कर मैम ने खाना खिलाया, और बहुत टेस्टी खाना था इसलिए हमने बहुत ज़्यादा खा लिया। और कल फिर शाम को हमने खाना भी नहीं बनाया था, कल बनाए थे हमने, मैंने दिखाया जैसे कि राम लड्डू बनाए थे मैंने। अभी मैं बनाने जा रही हूँ पालक सरसों और सोया का साग मिक्स करके, और चलो मैं आपको उसकी रेसिपी बताती हूँ, बट मैंने वो अभी काट लिया है, पर कोई नहीं मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं उसको, तो चलिए चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे सरसों, पालक और सोया, सोया कैसा होता है मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ गया सोया, सोया मैंने सबसे पहले काट लिया था, एक मिनट मैं इसको कुकर में डाल देती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं। ये रहा, ये होता है सोया, ये सोया होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मतलब थोड़ा सा ही डालना होता है और बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है साग में। तो ये डालना है आपको, साग मैंने डाल दिया है इसमें, और अब हम डालेंगे इसमें लहसुन और हरी मिर्च काटकर, मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, और तड़का लगाते टाइम इसको फिर से डालनी पड़ेगी, तो अभी थोड़ा सा ही बहुत है। तो ये डालना है और बाकी इसमें और कुछ भी नहीं डालना अभी, मतलब मैं नहीं डालती हूँ कुछ भी, तो मेरी मम्मी ऐसी बनाती है तो मुझे मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, जरा सा पानी एकदम,
बिल्कुल जरा सा आधा गिलास, क्योंकि वो बाद में ऐड करना है वरना ज्यादा पतला हो जाएगा ना। नमक भी हम बाद में डालेंगे, बाकी सारी चीजें हम बाद में डालेंगे। ये आप छोटा वाला गिलास एक गिलास भर के डाल सकते हैं, तो मैं वही छोटा गिलास एक गिलास भर के डाल रही हूँ पानी। और अगर आपके पास बड़ा गिलास है तो आप आधा गिलास पानी डालेंगे, वरना ज्यादा गीला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसको कुकर बंद करके ढक्कन लगाकर इसको चढ़ा देंगे और 2 सीटी लगने तक चढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद आगे का मैं बाद में प्रोसेस बताती हूँ आपको। सो गाइज अभी 2 सीटी लग चुकी हैं इसमें, आई थिंक थोड़ा सा बन गया होगा। तो अभी खोलकर देखते हैं और फिर उसका आगे का प्रोसेस बता दी मैं आपको कि उसमें तड़का कैसे लगाते हैं और घोटा कैसे लगाते हैं उसमें। ये सब आलन, मतलब आलन देना, आलन आटे से देते हैं। आप बेसन के आटे से दे सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से दे सकते हैं, तो मैं गेहूं के आटे से दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे देना होता है आलन। और ये एकदम पंजाबी स्टाइल, यूपी स्टाइल में साग बनता है और बहुत यम्मी लगता है, आप एक बार खाकर देखना। और इसका जो तड़का है ना, वो या तो घी में भी उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि सरसों के तेल में आप इसको तड़का देंगे ना, तो वो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आप सरसों के तेल में इसका तड़का देंगे तो। आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसे आलन देना होता है। तो देखिए साग कुछ ऐसा सा बना है, और अभी इसको आलन देंगे तो पता चलेगा इसमें कितना पानी डालना है। ऐसे पानी अभी ठीक है, अभी इसको और पकाना पड़ेगा, वो आलन देने के बाद पकाते हैं। और इसको घोटने के लिए ना एक अलग से वो होती है रई, वो मेरी मिल नहीं रही है क्योंकि ट्रांसफर के चक्कर में ना कौन सा सामान कहाँ पे रख दिया है तो मिल नहीं रही है। तो अभी चमचे से काम चलाएंगे। वो होती है एकदम डंडे टाइप की होती है, और नीचे से ना लट्टू टाइप का, गोल टाइप का होता है नीचे से थोड़ा दबा हुआ, तो उससे एकदम घोट घोट कर इसको अच्छे से, और फिर इसको थोड़ी देर पकने देते हैं ऐसी खोलकर आलन देकर। तो वो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। मैंने देखी तो थी कुछ दिन पहले, बट अभी मेरे को दिख ही नहीं रही कहाँ पे है। तो हम चमचे से काम चलाते हैं और आलन देते हैं पहले इसमें, और फिर हम इसमें बाद में तड़का देंगे। आलन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आटा, गेहूं का आटा है ये, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा लूंगी बस, और इसमें मिलाएंगे हम पानी। पानी आपको ध्यान देके डालना है, आप जैसा खाएं, मतलब आपको गाढ़ा खाना है या फिर थोड़ा सा पतला खाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग। तो ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला अच्छा लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है, तो मीडियम होता है ना तो वो अच्छा लगता है। सो हमारा आलन यहाँ पे बन के रेडी है। मैंने इस टाइप की कंसिस्टेंसी रखी है इसकी, एकदम फ्लोई। और इसमें ना ये जैसे ये है ना, ये कांटे नहीं होने चाहिए इसमें, सारा अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसको हम आलन देंगे। तो गैस ऑन कर ली है मैंने, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा आलन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, सारा एक साथ नहीं डालना है क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना डालना है इसमें। तो इसको काफी देर तक अभी पकने देंगे और अच्छे से इसको घोटेंगे। आप ना गेहूं का आटा और बेसन का आटा या मक्के का आटा ये मिक्स करके भी आलन दे सकते हैं। इसको अच्छे से ना घोटेंगे, ऐसे ऐसे दबा दबा कर। मेरी पता नहीं रई कहाँ गई, रई बोलते हैं उसको, वो घोटने वाला पता नहीं कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा। ऐसे इसको घोटेंगे अच्छे से दबा दबा कर, तो ये पूरा अलग अलग है ना, वो नहीं दिखेगा, एकदम मिक्स टाइप का हो जाएगा। क्या चाहिए आपको? आटा क्ले नहीं है आपके पास? आटे से ही खेलना है, ओके। अब देखो ये थोड़ी देर पहले कैसा दिख रहा था और अभी कितना अच्छा सा दिख रहा है, अच्छे से घुट चुका है ये। और आटा पकने के लिए अभी इसको 15-20-25 मिनट और पकने देंगे ऐसे ही, मतलब हल्का सा ढककर, और फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, जो आटा है ना वो अच्छे से पक जाएगा। फिर इसका जो तड़का है वो दिखाऊंगी मैं आपको, वो कैसे लगाते हैं। सरसों का साग ना आप मक्के की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, या फिर गेहूं की पानी की रोटी के साथ, चूल्हे की रोटी होती है ना हाथ से बनाते जो, उसके साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। तो इसको हम हल्का सा ढक देंगे और फिर उसके बाद हम ये ऐसी खदकता रहेगा, ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो इसको कम गैस पर, मीडियम गैस कर देंगे,
और इसको पकने देंगे। तो अभी तड़के के लिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं है। अगर आप लाल मिर्च से तड़का लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाल मिर्च का जब फ्राई होने के बाद उसके अंदर से जो रेडिश से ऑयल निकलता है ना, भुना हुआ ऑयल, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा वाला टेस्ट देता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास रेड वाली मिर्च नहीं है सूखी वाली, तो आप ये हरी वाली मिर्च ले सकते हैं, फ्रेश मिर्च, और इससे भी अच्छा लगता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगता है, पर उससे बहुत ज़्यादा स्मोकी टाइप का फ्लेवर आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अभी कट कर लेते हैं लहसुन को और मिर्ची को, फिर हम तड़का देंगे 15-20 मिनट बाद। तो चलिए लहसुन छील लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो मिर्ची और लहसुन हमने काट लिया है, और आप मिर्ची को कुछ लंबी काट लीजिए और कुछ ऐसे छोटी छोटी सी काट लीजिए, और फिर हम इसका तड़का देंगे, वो भी सरसों के तेल में। सरसों के तेल में तड़का बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। हमारे साग का क्या हाल है? तो यहाँ पर हमारा साग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और बहुत अच्छी सी इसमें से स्मेल आ रही है, बहुत टेस्टी सी। ये देखिए एकदम घुट गया है ये, और स्मूथ हो गया एकदम। तो ऐसा सा आपको चाहिए, और अगर और घोट सकते हैं ना, चमचे से इतना होता नहीं है, इसकी घोटने वाली जो होती है ना वो अच्छे से घोट देती है साग को। तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई यार, मिलती नहीं है, जब चीज चाहिए होती है ना तब गायब हो जाती है। तो अभी 5 मिनट और पकने देते हैं इसको, 5-10 मिनट, और फिर इसमें तड़का लगाएंगे जीरे से और लहसुन से, और फिर इसमें हम नमक भी डालेंगे, क्योंकि नमक अभी तक हमने नहीं डाला है, क्योंकि नमक ना उस टाइम पे हमें, उस टाइम आपने देखा होगा कितना पूरा जो कुकर है ना ऊपर तक फिल हो गया था, पूरा भर गया था, तो ऐसा लग रहा था कितना ज्यादा साग है, और अभी सिर्फ ये इतना सा दिख रहा है कुकर में। तो नमक अगर उसके अकॉर्डिंग हम अगर हम उसके अकॉर्डिंग नमक डालते तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो अभी हमें पता चल गया इसकी रियल ये क्वांटिटी कितनी है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे और वो परफेक्ट रहेगा, फिर ज्यादा नहीं होगा, कम होता है तो मैनेज हो जाता है, वो ज्यादा कर सकते हैं उसको, अगर ज्यादा हो जाए तो फिर स्वाद ही बिगड़ जाता है पूरा। तो अभी फिर इसमें नमक डालेंगे और बाकी सारी चीजें, और फिर उसके बाद, और इस टाइम अगर आप मतलब मटर भी डालते हैं साग में, अगर इसी टाइम अगर मटर डालनी है ना आपको, तो आप इसी टाइम आलन देने के बाद, घोटने के बाद मटर डाल दो, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। जैसे कुछ बच्चे नहीं खाते हैं ना साग, तो मटर के बहाने वो लोग खा सकते हैं साग को, तो मटर डाल सकते हैं आप इसमें, जो भी बच्चों को अच्छा लगता है ना, मटर ही वैसे डलती है इसमें, तो आप मटर डाल सकते हैं इसमें आलन देने के बाद, इसको घोटने के बाद, और फिर आप मटर डाल दो, फिर उसको पकने दो ऐसे ही धीरे धीरे, तो उससे भी बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा सा लगता है, बीच बीच में मटर आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब तड़का देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है, तो इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, ये हमारा घर का तेल है, मतलब गांव से जो आ जाता है हमारा वो तेल है। तो अच्छा सा ले लेंगे 4-5 चम्मच, छोटी 4-5 चम्मच, तो इतना इनफ है। इसको गर्म होने देंगे अच्छे से, और फिर इसमें जीरा डालेंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे, इसमें ना हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डलती है, इसमें सिर्फ इसी का फ्लेवर रहता है। अगर कुछ और आप एडिशनल ऐड कर देंगे ना, तो वो उसका पालक वाला और मेथी वाला और जो सोया हमने डाला है उसका फ्लेवर नहीं आएगा, तो किसी और चीज का आएगा। हाँ, थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं इसमें, तो ये हमने जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग, पंजाबी साग एकदम पंजाबी स्टाइल में। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, ये है रॉक सॉल्ट, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हम लोग रॉक सॉल्ट ही यूज करते हैं खाने में, तो इसलिए मैंने ये डाला है, आप जो भी खाते हैं आप वो डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा भूंज कर तैयार हो गया है। तब गैस को कर देंगे ऑफ और इसको डाल देंगे इसके अंदर। वाव, तुम्हारा पंजाबी स्टाइल साग बनकर रेडी है। आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपने कभी नहीं खाया तो आप खाना सीख जाओगे, खाकर देखना एक बार। तो ये हमारी थाली बनकर रेडी है,
और ये बहुत यम्मी लग रही है देखने में, आप एक बार जरूर ट्राई करना। इस टाइप की रोटी बना लेना आप जो लगे चूल्हे पे बनी है, और थोड़ा सा सैलेड ले लेना जो आपको अच्छा लगे, मुझे प्याज अच्छी लगती है। और ये हमारा पंजाबी वाला साग बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है तो मैंने मम्मी की तरह ही फॉलो किया। आप देखते हैं खा के कि कैसा है। चलिए व्यू के पास लेकर चलते हैं और उससे पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है खाना। कैसा लग रहा है? मिर्ची ज्यादा है? हाँ। बच्चों के अगर मिर्ची ज्यादा डाली है क्योंकि ये तो वैसे भी थोड़ा ही खाएगा। और चाहिए आपको? ये लो नंगू। वैसे व्यू अपनी एक रोटी फिनिश कर चुका है, अब दूसरी रोटी खाएगा साग के साथ। बच्चों को साग खाना चाहिए, पूरा पूरा फिनिश करना है ये, है ना? रूखा खाना है इसको। रूखा? हाँ। मिर्ची है पर इतनी भी नहीं है, ठीक है खा सकता है। वैसे बच्चों का वर्डिन तो है मिर्ची। नंगू ये ले। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, टिल देन बाय।